हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का नाश्ता हम पोहा से बनाएंगे। तो ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। तो चलो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक या बाउल में एक कटोरी पोहा लिया है, तो हमने इसमें पानी डाल दिया और इसको 4-5 बार अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने पोहे को 4-5 बार अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ हमने पोहे में 2 उबले हुए आलू मिक्स कर दिए थे, तो यहाँ थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया था। जब हमने आलू को मिक्स किया था, तो यहाँ हमने उबले हुए 2 आलू लिए थे, तो उसको पोहे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने पोहे के अंदर आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, कद्दूकस की हुई गाजर ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ये हमने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। आप अमचूर पाउडर और चाट मसाले की जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो भी मसाले और सब्जियां हैं उनको अच्छे से मिला लेंगे। यह हम एक बड़े सी बाउल में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो यह पोहे में हमें जो भी सब्जी और मसाले हैं उनको अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं, हमने अच्छे से मिला लिया सब्जी और मसाले को। तो ये देखिए, ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिक्सर लेकर के इसकी टिक्की बना लेंगे। जिस तरीके से हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें इस टिक्की को बना लेना है। यहाँ देखिए, एक टिक्की हमने बना करके तैयार कर लिया। तो इसी तरीके से जो बाकी का मिक्सर है ना, उसकी भी हम इसी तरीके से टिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमें सारा नाश्ता इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेना है। तो ये हमने इसी तरीके से देखे सारी टिक्कियाँ बना करके तैयार कर ली है। तो ये हमने एक कटोरी ली है, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, साथ में ऐड कर देंगे 1 चम्मच तिल, और इसमें पानी डाल करके इसका एक गोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो यह हमें इसका एक पतला सा गोल बना करके तैयार करना है। तो यह देखिए, हमारा गोल भी बन करके तैयार हो गया। तब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कट करके हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब जो हमने टिक्की बनाई थी ना, उसको जो हमने गोल बनाया था ना, उसमें टिप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको टिप करना। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को टिप करके फ्राई कर लेंगे। तो ये हमने फ्राई करने के लिए तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद आपको नाश्ते को फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए, इसी तरीके से एक एक करके हमने इसमें 4 टिक्की रख दी है। जब एक साइड से अच्छे से सीख जाए, उसके बाद हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। तो इसी तरीके से हमें अलट पलट करके इसको अच्छे से सेक लेना है नाश्ते को। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे नाश्ता अच्छे से सीख चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा अच्छे से नाश्ता सीख करके तैयार हो गया है। तब हम इस तरीके से एक एक करके सारी नाश्ते को बाहर निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल करके इसको रख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा टेस्टी सा नाश्ता पोहे का बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से जो बाकी की बची टिक्की है, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप, हमने इसी तरीके से यहाँ सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर से बनाना, आपको भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।